हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम व्यूजर में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12th के हिस्ट्री के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1, 2 और 3 सेट को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उन सभी के सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे क्लिक करिएगा तो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो उन सभी का सॉल्यूशन आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कांसे के औजार में के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यहाँ ये नहीं पूछा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। हड़प्पा वासी सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किए थे? उन्होंने कपास का उत्पादन किया था। लेकिन यहाँ पे किस वस्तु के वस्तु पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? वस्तु वस्तु पूछा है, तो क्या हो जाएगा? कांसे के औजार में सर्वप्रथम थे, बहुत ही ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता, लेकिन सर्वप्रथम किसका उत्पादन किया था उन्होंने? कपास का। क्लियर है? कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 2500 BC। 2500 BC से लेकर के कब तक? 1750 BC तक। 1750 BC तक माना जाता है। क्लियर है आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा था? लोथल था। अगर आपने उन मॉडल प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, हमने बताया हुआ था क्या कि इन सब रिलेटेड पॉइंट को आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी गुजरात में क्या था? लोथल एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह था। उसके बाद है, मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? यह भी प्रश्न हमने बताया हुआ है, मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद ये, सिंधु घाटी सभ्यता में किससे घर बनाए जाते थे? किससे घर बनाए जाते थे? ईट से बनाए जाते, ईट से बनाए जाते। तो ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर, ईटों से बनाया जाता था। वो शहरी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, शहरी सभ्यता था। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ये, दिलमुन। किसे कहा जाता था? दिलमुन नाविकों का देश कहा जाता था। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु क्या है? तो क्या है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु क्या है? मुहर है। मुहर क्या था? एक तरह से क्या था? मुहर, मुहर को कहा जाता था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं संकेत था, संकेत टाइप का पत्थर में कुछ था इसी तरह से। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है, संघ संवत का आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने संघ संवत का आरंभ किया था। क्लियर है? 8 नंबर का प्रश्न आपका हो गया है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी? किसने आरंभ किया था? सातवाहन ने। लेकिन सबसे ज्यादा भूमि गुप्तदान किसने दिया था? अनुदान तो किसने दिया था? गुप्त काल में। क्या होता था जानते हैं? बताते हैं इसको, देखिए क्या होता था कि आपको जैसे कि मान के चलिए राजा के बाद क्या हो गया? मंत्री। तो मंत्री को वहां पे क्या किया, और मंत्री के बाद क्या हो गया? मंत्री के बाद कुछ भी आ जाए, जैसे कि सेनापति आ गया, उसके बाद क्या आ गया? सेना आ गया, सिपाही आ गया। उन सभी को भूमि उनके उनके क्या बोलते हैं, वेतन के बदले में भूमि को दिया जाता था, वेतन के बदले में भूमि को दिया जाता था। लेकिन इसकी शुरुआत सातवाहन ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसको दिया गया था? गुप्त को दिया गया था। गुप्त काल में सबसे ज्यादा दान दिया गया था। उसके बाद है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? कब किया था? 1712 में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम आए थे सबसे पहले, ठीक ना? उसके बाद है, हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग भारत आया था। देखिए, इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी अभी है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, वो अभी नहीं है, अभी फिर से बन रहा है वो, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ा और वहां पे टीचिंग का भी काम किया था, यानी कि वहां पे शिक्षा का भी कार्य किया था। उसके बाद है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? तो किस वंश के राजा के साथ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा वाकाटक, वाकाटक के राजा के साथ हुआ था। उसके बाद है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो किस में था? गुजरात में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया था। लेकिन इसका पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण मतलब टूट फूट गया होगा हल्का, उसका थोड़ा मरम्मति किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था, और एक और ने करवाया था। किसने करवाया था आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक ना? अगर नहीं जानते तो अगले वीडियो में हम बताएंगे ही। महिष्मति किस जनपद की राजधानी थी? तो किस जनपद की थी? अवंती की राजधानी थी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद 15 नंबर का है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? अशोक के द्वारा दिया गया था। और ये कौन से अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है? अभिलेख 11 में इसका
जैसे 14 अभिलेख है ना उसका, तो 14 में से 11वां अभिलेख जो है उसमें से धम्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। क्लियर यहां तक? यही प्रश्न नहीं आएगा सेम टू सेम, लेकिन कुछ तो इससे छपेगा, लगभग 50% छपेगा, लेकिन यही पॉइंट से, इससे रिलेटेड पॉइंट से ही आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। हो सकता है 5वां मॉडल पर प्रश्न पत्र में इस तरह का प्रश्न हो। 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ की मंदिर की मूर्ति में किसकी मूर्ति थी? तो किसकी मूर्ति थी? विष्णु की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद यह है, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम भिल्सा टॉप्स के लेखक हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही किसका सर्वेक्षण किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही किया था, लेकिन खोज उसका सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी थी, और खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही उसकी सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, क्लियर यहां तक? बिहार का संबंध किससे है? ये बिहार नहीं, बागल वाला बिहार नहीं है भाई, ये राज्य नहीं है, ये धर्म से पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैलाश नाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा भी पूछा जा सकता है, एलोरा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजकूट वंश के, राजकूट ये दक्षिण वंश का था ना, राजकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने इसकी निर्माण करवाया था। आपको यह भी याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद यह मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य था? सीता का क्या तात्पर्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से? दिल्ली से। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा था? तो शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अद्वैतवाद था। क्लियर है यहाँ तक? कि सूफी संत ने कहा दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? बहुत ही अच्छा फेमस है ये वाला, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। एक कहानी बहुत फेमस है, दिल्ली अभी दूर है, कोई भी पूछे तो अभी दिल्ली, कुछ आप अगर ड्रीम देखते हो तो बोला जाता है ना कि दिल्ली अभी दूर है, बहुत दूर है, मतलब करेगा उस समय देखा जाएगा। पाहन पूजे हरि मिले, ये किसका कवि पंथी है? किसका है? कबीर का। देखिए, कोई भी जग उग के लिए आता है, मतलब तो जैसे कि कोई भी जहां अंधविश्वास ज्यादा दिखाया जाता है तो क्या कहा जाता है? पहाड़ पूजे हरी मिले, तो हम पूजू पहाड़, इसी तरह से है ना। उसके बाद है 26 नंबर का, निम्न में से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो कौन थे इसका संत कौन थे? महाराष्ट्र से कौन से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ये, तुकाराम। तुकाराम कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। भक्ति आंदोलन को भारत से, दक्षिण भारत से, यानी कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले कौन से संत कौन थे? तो देखिए, भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से क्षेत्र से हुई? तो ये प्रश्न मॉडल पेपर 1 में शायद था, क्या कौन से क्षेत्र से हुई थी? दक्षिण भारत से। देखिए यहाँ से, तो उससे रिलेटेड ही प्रश्न आपका आएगा। तो कौन से क्षेत्र, तो उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। क्लियर है यहां तक? कृष्ण देव राय के दरबार में तेनाली राम किस पद पर थे? देखिए, बचपन में हम लोगों ने देखा था तेनाली राम नहीं देखते थे, तेनाली राम एक तरह से आता था, शो आता था अष्टांग सब में देखते थे, तो वो क्या थे? वो एक कवि थे। देखिए, आसान प्रश्न था। अमरम का क्या अर्थ है? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जागीर। क्लियर है? उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न है बच्चों, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव को आंध्र भोज कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक आप लोग? विजयनगर किस नदी से के तट पर स्थित परिस्थित है, मतलब किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटका में है ना, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, विजयनगर से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। देखिए, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? दो भाइयों हरियर और बुक्का ने मिलकर किया था। कब किया था? 1336 में किया था। इसके सबसे सबसे योग्य शासक किसको कहा गया? सबसे सर्वोच्च शासक किसे कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। इसके दरबार में 8 जो कवि थे उसको क्या नाम से जाना जाता था? ये भी बहुत प्रश्न, मतलब विजयनगर से आ रहा। देखिए, फिर से विजयनगर का है, आपको विजयनगर टॉपिक क्लियर कर लेना, ठीक ना। विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो कहाँ पाए गए थे? हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था?
कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, संगम वंश। कौन था? संगम वंश राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? देखिए, अगर पिछला मॉडल पेपर को आपने सॉल्व किया होगा तो पता चल जाएगा कि तंबाकू का उसमें आया था, तंबाकू का पर प्रतिबंध किसने लगाया था, और यहाँ पर है तंबाकू का पर सेवन किसने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? उसके बाद है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर रहे थे क्या, अच्छा से दिखाई देगा। उसके बाद है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाकत के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? 35 नंबर का आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है 36 नंबर का प्रश्न है, इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में नौ रत्न थे। जैसे कोई जैसे किया होगा, पहला नवरत्न कौन थे? बिरबल थे। दूसरा बिरबल भी एक नवरत्न था, मानसिक भी एक नवरत्न था, इसी तरह से नौ नवरत्न थे। उसके बाद है, दिन ये इलाबी संबंधित है किससे संबंधित है? 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर से। अकबर से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, विजयनगर साम्राज्य से बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्लियर कर लेना है, ठीक ना? उसके बाद है, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी? तो किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी, मतलब सबसे ऊंचाई पर थी, उस समय सबसे ज्यादा चल रहा था मुगल किस चित्रकला, ठीक है? तो इसका राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जहांगीर के काल में। उसके बाद फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनवाया था? राजधानी किसने बनवाया था? तो अकबर ने। अकबर से बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, किसने? अकबर ने। उसके बाद दिया हुआ 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है, पूरे 5 मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी का जो है ना उसके पूरे पांचों, और इकोनॉमिक्स का, अगर आपका क्या है, जियोग्राफी है कि इकोनॉमिक्स है बताइएगा, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उसी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना? उसी को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? अजमेर कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत के किस राज्य में अजमेर है? देखिए बच्चों, ऐसा बात नहीं है कि आपको मैं दे रहा हूँ अभी आपको आ नहीं रहा है। देखिए बच्चों, इसको अगर आप सर्च करिएगा गूगल में, तो आप किताब पढ़िएगा, तो उससे आपको तीन चार और बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा इसको प्रयास करिए कि खोजने का, अजमेर किस राज्य में, बहुत ही आसान प्रश्न है, अजमेर किस राज्य में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग लेंगे इंग्लिश का भी सोल्यूशन, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इंग्लिश का भी सोल्यूशन चैनल में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं दोस्तों कुछ ही देर बाद, इसके कुछ देर बाद सेट नंबर 5 का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक ना? सेट नंबर 5 का सोल्यूशन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी या तो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।